नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मैरिज विवाह से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, जिसमें खासकर लव मैरिज इंडिकेशन और सक्सेस आफ्टर मैरिज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैरिज लाइन होता कहाँ है। ये आपका मरकरी का पोर्शन है और हर्ट लाइन, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है, यहाँ पर आपका मैरिज लाइन होता है। और अगर ये मैरिज लाइन इस प्रकार से नीचे की ओर झुका हुआ हो हर्ट लाइन की तरफ, तो ऐसे लोग प्रेम विवाह के ज्यादा इच्छुक होते हैं और इन्हें लव मैरिज ही होता है। इसी के साथ अगर ऊपर की ओर इस प्रकार से रेखा चल जाए, मतलब ऊपर की ओर उठ जाए, तो ऐसे लोग विवाह के ज्यादा इच्छुक नहीं होते हैं और अरेंज मैरिज इन लोगों का होता है। इसी प्रकार से अगर हर्ट लाइन गुरु पर्वत से शुरू हो रही हो, या आपका गुरु का पर्वत है यहाँ से शुरू हो रहा हो, तो ऐसे लोग देखा गया है कि इनका लव मैरिज होता है, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं दिल से ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, इमोशन बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों में होता है और लव मैरिज चांस बहुत अच्छा ये बनाता है। इसी प्रकार से ये गुरु पर्वत है और गुरु पर्वत पे अगर आपका इस प्रकार से क्रॉस मौजूद हो, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, बहुत अच्छा लक ये बनाता है। ऐसे लोगों को गुरु की सारी क्वालिटीज़ के साथ साथ जो इनको जीवन साथी मिलता है, ये सर्वगुण संपन्न मिलता है और लव मैरिज चांस बहुत अच्छा ये बनाता है। और मेन बात है कि ये गुरु पर क्रॉस होने से सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, जो कि लव मैरिज चांसेस बहुत इंक्रीज कर देती है। इसी प्रकार से अगर लाइफ लाइन के पैरेलल कोई लाइन चले इस प्रकार से, तो ये सपोर्टिव लाइन होती है, असिस्टेंट लाइन होती है। ऐसे लोगों को दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है और ऊपर वाले की कृपा बहुत अच्छी होती है, जिसका फल इनको लव मैरिज में बहुत अच्छा मिलता है। और ये है कि इनके लाइफ में कोई ना कोई बहुत अच्छा एक सपोर्ट इनके बैक में होता है और लव मैरिज चांस ऐसे लोगों का बहुत अच्छा बनता है। इसी प्रकार से लक के विषय में बात करूँ, तो अगर मून लक आपके हाथ में है, तो ऐसे लोगों को महिलाओं से बड़ा लाभ मिलता है। अब वो चाहे उनकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या बेटी हो, इसीलिए ऐसे लोगों का शादी के बाद बहुत बेहतरीन सक्सेस पाया गया है और शादी के बाद बहुत अच्छा धनार्जन भी ऐसे लोगों को होता है। इसी प्रकार से अगर लक लाइन में भी इस प्रकार से अगर जुड़ जाए मून लक, या मून के तरफ से कोई भी रेखा इस प्रकार से, जैसे ये मेन लक है आपका, और इस प्रकार से कोई रेखा भी जुड़ जाए, तो ऐसे लोगों का प्रेम विवाह बिल्कुल होता है। वहीं एक और इंडिकेशन यहाँ मौजूद है कि अगर आपका लाइफ लाइन इस प्रकार से अंदर की ओर मुड़ जाए, शुक्र के तरफ, शुक्र के नीचे आ जाए, अंदर की ओर मुड़ जाए, तो ऐसे जो लोग हैं परिवार को ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं, इसीलिए इनका शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छा बीतता है। मतलब जो दाम्पत्य जीवन होता है बहुत अच्छा भी बीतता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाले होते हैं, और इसीलिए इनका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा पाया गया है। वहीं अगर आपकी उंगलियों में इस प्रकार का गैप मौजूद है, जैसे यहाँ दिख रहा है, और भी अन्य हाथों में पाया जाता है, इस प्रकार का गैप मौजूद हो, तो ऐसे लोग मेन बात है कि बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इनका भी लव मैरिज देखा गया है। अगर इनका लव किसी के साथ हो जाता है, तो 100% वो लव मैरिज ही होता है, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं पाया गया है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। इसके अलावा और कुछ भी जानना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और उसमें और किसी भी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।